प्लीज। मर गए बेटा। दिस इज सो रोमांटिक। आज शामत पक्की है। एक सेकेंड, खाने से पहले प्रे तो कर लो। हे प्रभु, ये सब सहन करने की शक्ति देना प्लीज। आई होप खाना अच्छा बना। हाँ, मैंने प्रे किया। आई मीन टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक सेकेंड, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है मतलब? मतलब दिखने में अच्छा लग रहा है? नो, यू डिडंट से दैट एग्जैक्टली। यू सेड दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, सेम टू सेम। नो 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 नो, इट्स नॉट द सेम, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। क्या? क्या? दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है मतलब खाने में खराब भी हो सकता है। मैंने ऐसा कब कहा? जस्ट नाउ, जब तुमने तो पे वो लिटिल एक्स्ट्रा स्ट्रेस दिया तो तुम्हारा मतलब यही था कि टेस्ट में खराब भी हो सकता है। नहीं, लेकिन मैंने ये सोच के नहीं बोला। ऑफ कोर्स तुमने ये कॉन्शियसली सोच के नहीं बोला, लेकिन तुम्हारे सब कॉन्शियस में यही सोच थी, इसलिए बिना सोचे बोलने पर तुम्हारी सच्ची सोच सामने आ गई। प्रभु, मेरी प्रेयर अपने तक ही रखनी चाहिए थी ना। अगर मेरी कुकिंग से इतनी ही प्रॉब्लम थी तुम्हें तो मुझे बोल देते एक बार। मैं इतने एफर्ट्स लेती ही नहीं इफ आई न्यू इट्स अ टॉर्चर फॉर यू। Oh, I wish I could. अरे बेबी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था यार, ना consciously ना subconsciously. You are unnecessarily reading between the lines. Oh really? Then you could have used a better line to show your true feelings. Like? खाना देखने में भी अच्छा लगा। But isn't this sentence logically wrong? I mean, बिना टेस्ट के कोई कैसे बता सकता है कि खाना देखने में भी अच्छा लग रहा है? ठीक वैसे ही जैसे बिना टेस्ट किए तुमने पहले ही ये तय कर लिया कि ये खराब भी हो सकता है। ओके, आई टेक माय वर्ड्स बैक। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, अभी तो ठीक है? अभी भी ठीक नहीं, ये तुमने भी में जो ताने का तड़का डाला है ना, आई कैन स्मेल इट लाउड एंड क्लियर। कौन सा ताना, कौन सा तड़का? बेबी, ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, ये जिस इंटोनेशन के साथ तुमने भी पे स्ट्रेस दिया ना, सब समझ में आता है। अरे बाबा, मैंने इतना सोचकर भी पर स्ट्रेस नहीं दिया। एग्जैक्टली माई पॉइंट अगेन, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में था, दिल की बात जुबा पे आ ही जाती है बच्चे। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, ये क्या कर रहे हो? विदाउट एनी फीलिंग्स बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, रोबोट की तरह। ना कहीं पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस होगा, ना मेरी कोई एक्स्ट्रा फीलिंग, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मुझे तो पहले ही पता, यू हैव नो फीलिंग्स फॉर मी, तो मेरे बनाए हुए खाने के लिए फीलिंग्स कहाँ से आएंगे? आई शुड हैव नॉट डन ऑल दिस, यू नो, आई शुड हैव जस्ट थॉट। अरे अरे, सॉरी, प्लीज, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अच्छा, मुझे माफ कर दो, मेरी जो भी गलती हुई हो, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, सबके लिए अपोलोजाइज प्लीज। तुम रो मत यार, प्लीज प्लीज। इट्स ओके, आई एम ऑल्सो सॉरी यार, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि तुम्हें इतनी देर से भूख लग रही होगी। प्लीज ईट। या थैंक यू। मोहब्बत अब तिजारा बन गई है। सो कैसा बना है खाना?